संदेश खाली मामले पर दिल्ली में बंगाल भवन पर एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी सरकार का विरोध किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। एबीवीपी की तरफ से चेतावनी दी गई कि ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने पर सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी सरकार को लेकर अब एवीपी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। अगर यहाँ बात करें दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। हम उन महिलाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई सच्चाई कितनी है, और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है एवीपी का, क्या लगता है ये प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? आपसे जानना चाहूँ, क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो जो हमने देखा कि बंगाल में संदेश खाली की औरतों के साथ कैसे दुष्कर्म किया जा रहा है, और हमने देखा कि उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, फिर भी बंगाल की सरकार टीएमसी अभी भी वहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और यहां तक कि उसको इग्नोर कर रही है बिल्कुल ही। और हमारे लिए कोई भी अन्याय हो रहा है और कोई भी न्याय की गुहार लगाने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा कितनी है और आने वाले समय के अंदर किस तरीके की सुरक्षा चाहिए महिलाओं को, वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है ये प्रदर्शन कितना जाने वाला है? और महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लगता है वो सवाल कितने होने चाहिए? सवाल तो इतने हैं जिनका जवाब वो दे नहीं पाएंगी। दूसरी बात, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है उसके खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट किया है और ये प्रोटेस्ट तो चलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार, किस लिए उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और महिलाओं की सुरक्षा की तो वो बात ही ना करें, ये आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है। उन्होंने हमेशा शर्मिंदा किया है वहाँ की महिलाओं को, बंगाल को भी इसके बाद। अगर यहाँ पर लगातार सवाल जो है वो बड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल के ऊपर, जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ तक कि जिस तरीके ममता बनर्जी जो है महिला की सुरक्षा को लेकर अभी तक जवाब नहीं देती हुई नजर आ रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है कि प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा, आपसे जानना चाहूँ क्या लगता है कि प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा है उस संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, हम जो एबीवीपी हैं छात्र हैं, हम बल्कि बस छात्र नहीं, हम आगे आने वाले समय का भविष्य हैं और हम उन माताओं बहनों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और ये एबीवीपी का वादा है महिलाओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, यही हमारा स्लोगन है और इसी मुद्दे से हम आगे बढ़ेंगे। और ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट है कि आज जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनको फांसी का सजा दिया जाए कम से कम। ममता बनर्जी सरकार से क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी सरकार से यही कहते हैं कि जो जवां के खान साहब थे जिन्होंने ये कांड किया उनको फांसी दें और उन और सारे महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी महिला हैं और ममता बनर्जी महिलाओं के, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनको सरकार में रहने। ममता बनर्जी अभी भी महिला हैं और महिला का सम्मान के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है, नहीं उठा रही है, तो इसीलिए हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। एबीवीपी अंत तक लड़ी है और अंत तक लड़ेगी। एबीवीपी महिलाओं के लिए हमेशा मैदान में रही है और आगे भी रहेगी। तो ये इस प्रदर्शन किस तरफ जाने वाला है अब आगे? प्रदर्शन यही जाने वाला है, या तो इस्तीफा दो या फांसी दो, दो में से एक करो। अगर दोनों में से ममता बनर्जी सरकार ने कुछ नहीं सुना तो फिर एबीवीपी करेगी, क्या करेगी? जो पहले किया वही करेगी, जो कश्मीर में हुआ बंगाल में होगा। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को लेकर कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की जा रही है, जो पहले एबीवीपी ने किया है वही करेगी, मगर यहाँ पर प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें जरूर बनती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ पर बात करें एबीवीपी की तो लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जैसे वन भवन की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल की गई है, मगर ये सुरक्षा व्यवस्था कितनी और कड़ी हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़ दिल्ली।